हेलो, वेलकम बैक सर। आज का टॉपिक सिंक्रोनस मोटर में देखेंगे। हालांकि टॉपिक तो होगा लोड को चेंज करने से क्या असर पड़ता है, एक्साइटेशन को चेंज करने से क्या असर पड़ता है, लेकिन इन दौरान जो कुछ पावर की इक्वेशंस आएंगे और उसके कुछ टर्म आएंगे, उन टर्म को समझना पहले बहुत जरूरी है। ओके, सो चलिए पहले मैं देखता हूँ। ये हमारा थ्री फेज का सिंक्रोनस मोटर है, ये थ्री फेज का सिंक्रोनस मोटर है। ओके, नाउ यहाँ से आपने सप्लाई देने हैं कौन सा सर, थ्री फेज का। ओके, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल, चलिए थ्री फेज का सप्लाई आपको देना है सर। ये जो सप्लाई आप देते हो ना, तो ये वोल्टेज जो कहलाता है, ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ये कौन सा वोल्टेज कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज। और ये हमेशा लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। ये हमेशा कौन सा वोल्टेज होता है सर, लाइन टू लाइन वोल्टेज। ओके, जो आप सर्किट थ्योरी में पढ़ते हो ना, लाइन वोल्टेज। ओके, सो इनका ख्याल रहे, ये लाइन वोल्टेज है ना। और सर ये जो वाइंडिंग है, ये स्टेटर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, आपको कि सर ये स्टेटर है। और ये कौन सा पार्ट है सर, ये रोटर है। रोटर को करंट, रोटर को डीसी आपको सप्लाई देना होता है। रोटर चलाने के लिए क्या देना पड़ता है, डीसी। और ये फील्ड डेवलप करता है, फील्ड करंट। और इसके कारण ये पोल का निर्माण होता है, एन पोल और एस पोल, इसी के सप्लाई देने से। और यही फील्ड क्या होता है, इसके साथ साथ जो थ्री फेज सप्लाई देने से जो एनएस चलता है ना हमारा, एनएस, उसी रफ्तार को ये लॉक करके लगातार रोटेट करता है ना। यहाँ बात जो होगी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी की, तो यहाँ सप्लाई वोल्टेज है। अगर ये वाइंडिंग है सर, अगर ये वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग में सर क्या है, वाइंडिंग का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इस वाइंडिंग में रिएक्टेंस होंगे। ओके, क्योंकि वाइंडिंग है ना, तो उस कंडक्टर जिस कॉपर का बना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना। सो उसी को ना हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, अगर मैं बोलूँ, इसी टर्मिनोलॉजी को ना अपन डिनोट कराते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्योंकि ये स्टेटर पे क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर पे क्या होता है सर, इसके मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर। और रोटर पे होते हैं क्या, फील्ड वाइंडिंग। रोटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है सर, फील्ड वाइंडिंग। ओके, शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा, कट रहा, क्लियर है ना। रोटर स्टेटर, एक जरा सा मैं थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर दूं आप लोगों की। क्यों कटेगा जब अपन है, नहीं कटेगा, क्लियर ना। चलिए सर, चलिए, आई होप सो। ये फिर से एक सेकेंड, आई होप अब दिखेगा, अब भी नहीं दिखेगा, अब दिखेगा, अब रुका रहेगा, अब भी नहीं रुका रहेगा। चलिए चलिए सर, इतना तो काम चल जाएगा, रोटर समझ रहे हैं ना ना। और ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर का क्या सर, रिएक्टेंस होगा। आर्मेचर में रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर में रिएक्टेंस होगा। अब एक चीज सर ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर और इसके वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसके वोल्टेज रेगुलेशन जो होते हैं कम होते हैं किसके तुलना में, सॉरी, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लगभग नियर क्लोज टू जीरो बनाया जाता है, इसका ज़्यादा बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा बड़े मशीन होते हैं, तो इसका रिएक्टेंस ज़्यादा रखना होता है ना, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ये रिएक्टेंस ज़्यादा रखना होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ज़्यादा है, तो इस वाइंडिंग में समझिए होता क्या है, इस वाइंडिंग में अगर आप इसको देखोगे ना, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में, इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है, और तो सप्लाई वोल्टेज आपका तो VT है, सप्लाई वोल्टेज तो आपका VT है, लेकिन ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर का रिएक्टेंस। उसके बाद इसमें तो ड्रॉप होगा, इसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, उसके बाद इसमें बचेगा कौन, वोल्टेज सा, वो कौन सा वोल्टेज कहलाएगा सर, एक्साइटेशन वोल्टेज। वो क्या कहलाएगा सर, एक्साइटेशन वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज। और ये है टर्मिनल वोल्टेज। अब इन दोनों वोल्टेज में सर अंतर हो जाता है, क्यों, इन दोनों वोल्टेज में अंतर इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में ये भी कम होते हैं और ये भी कम होता है, लेकिन जब मोटर की बात होगी तो ये तो कम होता है, लेकिन सर ये ज्यादा रखा जाता है। रीजन ये है कि अगर कोई फॉल्ट हो जाए मशीन के अंदर, कोई वाइंडिंग एलजी फॉल्ट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इसमें रिएक्टेंस रहेगा ना, तो करंट को झेलेगा, बर्दाश्त करेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, अगर रिएक्टेंस रहेगा तो करंट लिमिट होगा, इससे क्या होगा, इसकी वाइंडिंग डैमेज ना होंगी। लेकिन अगर इसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों कम कर दूं, तो जब कोई फॉल्ट होगा तो करंट उस कंडक्टर से इतना ज्यादा जाएगा
क्योंकि रिएक्टेंस कम है तो ऑब्वियसली वोल्टेज अप्लाई वही है, तो हमेशा करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वाइंडिंग इसके डन जल जाएंगे। तो सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों में ही रिएक्टेंस ज्यादा रखा जाता है, किसके तुलना में, रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत ज्यादा होता है रिएक्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ये होता है, इसीलिए ये वोल्टेज और ये वोल्टेज में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ड्रॉप क्या होगा सर, यहाँ ड्रॉप होगा आईए आरए, चलो आरए बहुत कम है तो कोई बात नहीं ये कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ की ड्रॉप इतना कम नहीं होता। यहाँ आईए एक्से जो जो होता है ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये इस दोनों वोल्टेज में अंतर कर देगा, यानी ई एफ जो होगा वो छोटा होगा किससे, टर्मिनल वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से ई एफ क्या होगा, छोटा। तो इसीलिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, यहाँ वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएफ, ये इंड्यूस्ड ईएफ कहाँ पे होगा सर, इसी को बोलते हैं फील्ड एक्साइटेशन। जैसे मोटर में, मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर आपने पढ़ा, सप्लाई दिया ना, सप्लाई देने के बाद आपका क्या हुआ, उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस था, उसके बाद चूंकि वहां डीसी सप्लाई होने के कारण उसका रिएक्टेंस खत्म है, लेकिन फिर बैक से वहां काउंटर करता है ना, बैक ईएमएफ टाइप का ही काम करता है यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज बैक ईएमएफ का काम करता है, तभी बैलेंस हो जाता है। अगर इक्वेशन लिखा जाए ना यहाँ पे सर, तो वीटी बराबर इक्वेशन क्या आएगा, ये जो वोल्टेज है एक्साइटेशन वोल्टेज, इसको बोलते हैं, ये भी अभी टर्म में दिखा देता हूं, एक्साइटेशन वोल्टेज प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स ए। ओके, ये टर्मिनोलॉजी आपका रहेगा, वीटी ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे दिस दिस दिस। तो ये सप्लाई, ये इक्वेशन बनते हैं। नाउ ई एफ क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा होंगी, ई एफ क्या, एक्साइटेशन वोल्टेज, ये है टर्मिनल वोल्टेज। अब इन दोनों के कारण सर आप बताओ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो ये वोल्टेज बराबर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो मैग्नेट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। सो ई एफ क्या है, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज, इसका पावर कैलकुलेशन में आगे काम आएगा, एक्साइटेशन वोल्टेज। फील्ड एक्साइटेशन भी कई बार इसको बोल देता है, इसको बार क्या बोल देता है, फील्ड एक्साइटेशन। नो, अगर मैं बोलूं सर वीटी टर्मिनल वोल्टेज एक्स से आर्मेचर रिएक्टेंस और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, नाउ सर मैं यहां बात करूं ना, तो ये किस तरीके से इक्वेशन बनता है, किस तरीके से ये डिनोट करता है इक्वेशन में, आइए। जैसे कि सर आपने थ्री फेज सप्लाई दिया है, ये किसी मोटर में आप थ्री फेज सप्लाई दोगे तो किस तरीके की चीजें डेवलप होती हैं, मैं उसको डिनोट कराता हूं एक बार। ये टर्मिनल वोल्टेज जो आपने दिया, आर्मेचर के अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, इसके अंदर रिएक्टेंस होगा। ओके, नाउ यहां पे डेवलप होंगे सर, यहां पे जो डेवलप होगा वो होगा एक्साइटेशन वोल्टेज। क्या डेवलप होगा इस वाइंडिंग में, एक्साइटेशन वोल्टेज, जो हमेशा इसको क्या करेगा, काउंटर करेगा, प्लस मैं प्लस यहां दूं तो यहां भी क्या होंगे, प्लस, ये न्यूट्रल पॉइंट, सो एक्साइट काउंटर करेगा, और रास्ते में यहां ड्रॉप होगा आई ए आर ए, सो आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स ए। ओके, और तब फाइनली आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो इस तरीके से जब देखा जाता है ना सर, तो यहां चूंकि इंडक्टिव नेचर ज्यादा है, इंडक्टिव नेचर ज्यादा है, इस कारण से क्या होता है, हमेशा सर यहां एक लोड एंगल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लोड एंगल। सपोज दैट अगर मैं बोलू ना आपका रिफरेंस वोल्टेज, मैं टर्मिनल वोल्टेज को रिफरेंस मान लू, टर्मिनल वोल्टेज को क्या किया, अगर मैंने रिफरेंस मान लिया, तो सर हमेशा जो ये डेवलप्ड वोल्टेज होता है, ये जो डेवलप्ड वोल्टेज होता है, ये इनसे लैग चला जाता है। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव नेचर है वहां पे। ये देखिए ईएफ दोनों वोल्टेज वोल्टेज में ही एक एंगल बना लेता है, वोल्टेज वोल्टेज में ही एंगल बना लेता है, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज आपस में एंगल। अभी तक हमने सुना था सर क्या, करंट और वोल्टेज में लीडिंग लैगिंग होती है,
तो करंट लग करेगा, लेकिन ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में लग कर जाता है किस एंगल से सर, डेल्टा एंगल से। किस एंगल से सर, जैसे मशीन में पढ़े थे ना सिंक्रोनस मशीन में, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में ओके, इसको बोला जाता है लोड एंगल। इसको क्या बोलते हैं सर, लोड एंगल। क्या बोलते हैं सर, लोड एंगल। और जबकि इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होगा, अगर आर्मेचर आईए और एक्सए के देखें तो हमेशा वोल्टेज के इसी फेज में होगा। अगर कोई कहेगा आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप देखने के लिए, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप हमेशा सर आईए इसी डायरेक्शन में होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप इसी में डायरेक्शन में हमेशा होगा ओके। सो रिजल्टेंट ईएफ जो आपको मिलता है हमेशा लैग मिलता है वीटी से। तो एंगल क्या है, डेल्टा क्या है, इसको लोड एंगल बोलता है। द एंगल बिटवीन वीटी एंड ईएफ ओके, एंगल बिटवीन वीटी एंड ईएफ दोनों सर, ये पावर फैक्टर फेज एंगल नहीं है, है ना, फेज एंगल करंट वोल्टेज में होता है। ये क्या है सर, आपका जो है लोड एंगल है, लोड एंगल दो वोल्टेज के बीच, चूंकि रिएक्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर होता है, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होता है, वोल्टेज एक एंगल डेवलप होता है जिसको लोड एंगल कहा जाता है। तो आगे जब अपन एक्साइटेशन चेंज करेंगे, लोड चेंज करेंगे, तो उससे आपके फेजर डायग्राम चेंजेज होते हैं, उनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको देखना है, उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी देखना है। जैसे कि आपको कुछ कुछ चीजों का पता होना चाहिए, कहता है सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड आपको पता है क्या होगा, ns बराबर 120 f / p, इसके बारे में सब चीज पता है। f क्या है सर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल, ns सिंक्रोनस स्पीड, ओके ना। पावर इक्वेशन का आगे काम आएगा, पावर इक्वेशन का काम आएगा। तो यहां पावर इक्वेशन क्या है सर, एक्साइटेशन वोल्टेज गुना टर्मिनल वोल्टेज बटा आर्मेचर रिएक्टेंस। क्यों यहां आर्मेचर बोलेगा रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लिजिबल मान ले, रेजिस्टेंस को क्या करें सर, नेग्लिजिबल मान ले, तो आपका क्या होता है, बस इस दोनों का डिविजन इंटू साइन इंटू डेल्टा। अब ये टर्मिनल वोल्टेज भी लगभग कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, किसी मशीन का ये भी कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा डिपेंडेंट हो जाता है। अगर डेल्टा लोड एंगल बढ़ेगा, आपका लोड एंगल बढ़ेगा तो आपका पावर बढ़ेगा ओके। सो इनकी चर्चा आगे होंगी। तो इनमें सारे टर्मिनोलॉजी का नाम है टर्मिनल वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज, ये है डेल्टा, लोड एंगल बिटवीन क्या, ईएफ एंड वीटी। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाया जाए इसका, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होगा सर, ये पर फेज डायग्राम है, ये क्या है सर, पर फेज फेज डायग्राम, पर फेज डायग्राम ओके। ये लोड एंगल है, तो ये इधर से जे आई ए एक्स से ये ड्रॉप हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस आई ए आर ए ड्रॉप होगा ओके, फिर फाइनली एक्साइटेशन वोल्टेज आपको मिल जाएगा, एक्साइटेशन वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होगा सर, तो वी टी बराबर ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए जे आई ए इंटू एक्स ए। नाउ ई एफ एक्साइटेशन वोल्टेज बराबर अगर कोई लिखना चाहे सर, तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस प्लस, यहां पे रख दो प्लस, इधर में माइनस होगा, माइनस आई ए आर ए माइनस जे इंटू, प्लस लिख दूं यहां पे, प्लस लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, माइनस जे आई ए एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, ये माइनस आता तो इसको प्लस प्लस करके एक साथ लिखा, ये इसको चाहे तो आगे नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। क्या करते हैं इसको नेग्लिजिबल, कई बार इसी इक्वेशन को, इसको देखिएगा सर, इसी इक्वेशन को कई बार क्या करते हैं नेग्लिजिबल करके सिर्फ इतना इतना और इसको लिखा जाता है। जैसे कि मैं लिख दूं ई एफ इजकल टू वी टी प्लस माइनस जे आई ए एक्स, ओके तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं सर, कई बार ऐसे इक्वेशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी ओके। सो
इन सारे टर्मिनोलॉजी को आई होप आपने देख लिया, किस टाइप से कौन वोल्टेज होता है, कौन वोल्टेज नहीं होता है, किस टाइप को किसको क्या बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी से आपको गुजरना होता है। चूंकि सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर ये सारे टॉपिक आप अच्छे समझ सकते थे, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा टॉपिक आपको दिए नहीं गए थे। सो अगर इतने टॉपिक नहीं दिए गए तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे जानना जरूरी था, ताकि आगे हम मोटर के में एक्साइटेशन चेंज, लोड चेंज में आराम से उसके फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज जानकारी उठा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।